Okay, yeah, Rahul, please start with introduction first. गुड इवनिंग मैम मैम माई नेम इज राहुल देव। आई एम फ्रॉम डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। आई कम्प्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम जेएनवी डोडा एंड आफ्टर दैट आई डिड बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। एंड माई हॉबीज इंक्लूड पेंसिल स्केचिंग एंड टीचिंग एंड आई डिड इंटर्नशिप इन जल शक्ति डिपार्टमेंट इटसेल्फ। ओके राइट, तो कौन सी है पास आउट हो आप राहुल? आई एम 2020। 3 साल का गैप है आप में? यस मैम। ओके और क्या कर रहे हैं आप गैप में? आई एम ड्यूरिंग द फाइनल ईयर आई गॉट ए जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम प्राइवेट कंपनी बट देन पेंडेमिक स्टार्टेड एंड आई डिडंट रिसीव द जॉब लेटर ज्वाइनिंग लेटर। देन आफ्टर दैट आई ओके डिसाइड आई एक्सप्लोर्ड वेरियस सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन कैरियर ऑप्शन देन फाइनली डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर JKPSC AE। ओके एंड व्हाई यू वांट टू गो इन जेकेपीएससी ओनली बिकॉज़ ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी और समथिंग गुड यू फील अबाउट इट? एक्चुअली आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क फॉर माई स्टेट एंड फॉर माई पीपल। अगर सर मैं अगर कंपनी ज्वाइन भी करता तो मुझे वहाँ पे भी मैंने प्रिपरेशन ही करनी थी एग्जाम की। सो बिकॉज फाइनली इट वॉज माई एम इन माई लाइफ टू सर्व इन जल शक्ति डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो इन एज एन स्टेट इंजीनियर। राहुल, जल शक्ति अभियान किसने स्टार्ट किया था? मैम जल शक्ति अभियान जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था 15 अगस्त 2019 में। और जो जल शक्ति मिनिस्टर है वो कौन है अभी? मैम अभी हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके अब बोल रहे हो आप अपनी स्टेट के लिए कुछ करना चाहते हो, इसलिए आप JKPSC AE में आना चाहते हो। अभी तक आपने क्या यस किया मैम। अपनी स्टेट के लिए? मैम एक्चुअली आई वाज द पार्ट ऑफ एनसीसी। तो ट्रैफिक वीक के दौरान में मैंने ट्रैफिक रूल अवेयरनेस में कंपेन में पार्टिसिपेट किया था एंड आल्सो आई लव टीचिंग। तो मैं नीडी स्टूडेंट्स को टीचिंग करना पसंद करता हूँ और गाइडिंग गाइडिंग भी करता हूँ। ओके फाइन। राहुल, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो? एम आई बिलोंग्स टू डोडा डिस्ट्रिक्ट। क्या स्पेशलिटी है वहां पे? मैम डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है एक चिनाब वैली में फॉल करता है जहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं और उसके साथ साथ ये एक इमर्जिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रही है। और यहाँ पे मैम कुछ फेमस मैम राजमा यहाँ पे फेमस है और गुच्ची मशरूम जिसको अभी रिसेंटली GI टैग भी मिला है तो यहाँ पे ये भी फेमस है और बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। और यहाँ का क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट क्लाइमेट है। ओके राहुल, कैन यू टेल मी कि करंट SSP कौन है इस टाइम पे डोडा का? यस मैम यहाँ पे अभी जो है वो श्री अयूब कयूम सर हैं। और ओल्ड नेम क्या था, पुराना नेम क्या था डोडा डिस्ट्रिक्ट का? मैम इसका पुराना नाम दीदा था। ओके फाउंडर कौन था? डोडा डिस्ट्रिक्ट का इनके फाउंडर थे प्रताप सिंह। आई एम मेकिंग गेस। ओके राहुल, आपकी लाइफ का मिशन और विजन क्या है? मैम मेरा लाइफ का विजन ये है कि मैं सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, सोशली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं और फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी कुछ टेक्निकल वर्क अच्छा कर सकूं। ओके ग्रेट। विजन और मिशन में डिफरेंस पता है आपको? जो आपने मीनिंग बताया अभी। मैम विजन है जो है हमारा विजन जो है शॉर्ट टर्म है और मिशन है लॉन्ग टर्म। ओके राहुल, मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता दो। मैम मेरी स्ट्रेंथ जो है मैं एक तो मैं परसिवरेंट पर्सन हूँ और ऑनेस्टी है मेरे अंदर और आई बिलीव इन स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विद हार्ड वर्क। राहुल, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। आई देयर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु वांट टू ज्वाइन जल शक्ति राइट, और बहुत यस लोग हैं मैम। जो एक्सपीरियंस्ड भी आ रहे हैं। आप एक जस्ट एक फ्रेशर हो, बीइंग अ फ्रेशर मैं आपको क्यों हायर करूं? मैम एज ए फ्रेशर मैम मैं एक एक प्लान स्लेट की तरह हूँ। तो इसमें भी एक बेनिफिट है कि अगर आप
मुझे जिस तरह से मोल्ड करना चाहो उस तरह से मोल्ड कर सकते हो। मेरे पास कोई प्री सेट बिलीफ्स नहीं है कि कितना सा वर्क कल्चर है क्या है, पहले से सेट नहीं है बिलीफ्स मेरे अंदर। तो मुझे जिस तरह से मोल्ड करना चाहो उस तरह से मोल्ड कर सकते हो। हॉबीज क्या है आपकी राहुल? मैं हॉबीज इंक्लूड पेंसिल स्केचिंग एंड टीचिंग। 370 आर्टिकल के बाद क्या क्या चेंजेस लगे आपको? मैम ये 370 के बाद बहुत सारे चेंजेस जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जैसे इकोनॉमिकली इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जैसे हेल्थ सेक्टर में अचीवमेंट्स हुई हैं, और मैम सिक्योरिटी में बहुत काफ़ी सुधार हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमारे बहुत सारे हाईवे एक्सपेंशन हो रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बहुत बहुत सारे, उसके बाद ब्रिजेस बने हैं, और इकोनॉमी में काफ़ी बूस्ट हुआ है, जैसे टूरिज्म सेक्टर में बहुत अचीवमेंट हुई है, जैसे G20 समिट के कारण टूरिज्म काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है उसके बाद। माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू राहुल, मुझे ये चीज बताओ, आपके डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग के साइड पे आपको कैसा वो दिख रहा है कि किस तरह का स्कोप है या क्या क्या फीचर्स है जो एडवांसमेंट हुई है बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग? मैम मेरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी मैम एडवांसमेंट्स हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे एक खलेनी टनल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत ये थी कि जो जब जम्मू से डोडा के लिए आते थे तो उसमें कम 30 किलोमीटर डिस्टेंस का रिडक्शन हुआ है, और ऑल वेदर रोड हमें प्रोवाइड हुई है, जिसकी वजह से मतलब हमें कम टाइम में हम अपनी सिटी में पहुंच जाते हैं, और जो रोड का स्ट्रेच पहले था वहां पे काफी ज्यादा लैंडस्लाइडिंग होती थी, तो टनल बनने के कारण एक तो डिस्टेंस शॉर्टन हो गया है, और दूसरा ये लैंडस्लाइडिंग की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई है, और दूसरा यहाँ पे हाईवे एक्सपेंशन का वर्क चल रहा है, ट्रैफिक कंजेशन की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक को मतलब जो हाईवे है उसकी एक्सपेंशन की जा रही है, अब 2-वे रोड्स यहाँ पे बनाई जा रही हैं। ओके फाइन, सी राहुल, इट वाज अ गुड वन द वे यू वर इंटरेक्टिंग, द आंसर्स दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट, बट मुझे एक दो चीजों में लगा, एक तो फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है, थोड़ा सा फेशियल एक्सप्रेशंस में थोड़ी चेंजेस लाओ, स्टार्ट विद द स्माइल एंड विद द स्माइल, जो बेसिक चीज होती है, ठीक है। सेकेंडली, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो या कोई भी चीज है, आंसर्स जैसे लर्न वाले नहीं लगने चाहिए आपके, ठीक है। जैसे आपने जैसे बोला कि मैं आपको क्यों हायर करूँ, आपने बोला मैम फ्रेशर जो मैं ब्लैंक स्लेट की तरह आऊंगा, नहीं इस तरह से नहीं मैम, आई कैन बी देन अ सेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक फ्रेशर होता है वो इजिली अडेप्ट हो सकता है, वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह आता है, आप एक समझाने के वे में बोलोगे दैट वुड बी मच बेटर, नहीं तो लगेगा आंसर लर्न करके आए हो, ठीक है। रट्टे वाली चीज नहीं दिखनी चाहिए आपसे, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो दो चीजें आपकी कमियां थी। एक जो डॉक्यूमेंटेशन है, जिस तरह से 370 के बाद क्या आया था, या फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले जैसे रिवर्स के बारे में हिस्ट्री, डल लेक की क्या हिस्ट्री थी आपकी अगर जम्मू में, और कश्मीर का ये चीजें कि क्या प्रीवियस नेम्स क्या है वहां के, वो भी जो भी है वो थोड़ा रीड कर लेना, क्योंकि बेसिकली वो आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछते हैं, ठीक है, कि क्या स्पेशलिटी है वहाँ की, क्या आपको लगता है इंजीनियरिंग में कैसे स्कोप वहां पे बढ़ रहा है, 370 के बाद क्या क्या चेंजेस आप फील कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग में अगर आओगे, JKPSC AE में आओगे तो कैसे आप बेटर कर सकते हो, ठीक है, क्या इनोवेटिव मेजर्स लाओगे। तो ये कुछ चीज है, HR कम आते हैं, पर फिर भी हर चीज के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। यस अभी के मैम, लिए यस ना, पर मैम, नेक्स्ट टाइम में मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है, तो थोड़ा बेटर करके ठीक है आना, मैम, या ओके, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू।